नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 15 अक्टूबर के सुबह 9 बजे से जी दोस्तों यह समय से आपके जीवन काल में घरों की कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, घरों में कुछ ऐसे बड़े बदलाव हो रहे हैं जिनके कारण दोस्तों बड़े दुर्लभ संयोग का यश में निर्माण होगा और यश में आपको कुछ ऐसी बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होने वाली हैं जिन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाले हैं। जी दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय शुक्रवार का दिन होगा। जी दोस्तों, और शुक्रवार का दिन ज्योतिष शास्त्र में माँ लक्ष्मी और माँ भवानी के नाम से अर्पित है। यश में आपके जीवन काल में माँ लक्ष्मी, माँ भवानी और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यश में माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में जो घरों की स्थिति होगी इनके साथ आपको कई क्षेत्रों में लाभ मिलेंगे। कई बड़ी खुशखबरियां यश में आपको मिलने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यश में माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से घर से जुड़ी सभी प्रकार की आर्थिक तंगियाँ खत्म होंगी। घर से जुड़ी जो भी समस्याएँ हैं यश में उनसे आप मुक्ति भी पाने वाले हैं। जी दोस्तों, शादी दोस्तों आपको बता दें कि यश में माँ भवानी के आशीर्वाद से आपके जन्म काल से सभी प्रकार के जो दुश्मन है यश में वे रास्ते से हटेंगे और आपका आने वाला भविष्य बहुत ही उज्ज्वल रहने वाले हैं। शादी दोस्तों आपको बता दें कि यश में माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपके मन मस्तिष्क में नए विचार आने वाले हैं जिन्हें अपने कार्यस्थल पर प्रयोग करके बहुत ही ज़्यादा लाभ कमाने वाले हैं और बॉस भी आपकी तारीफ करेंगे, समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जी दोस्तों, घरों की जो इसमें स्थिति बनने वाली है कुल मिलाकर आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाले हैं। बस दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यश में आप एक गलती करने से बचें। जी दोस्तों, यह गलती आप बार बार करते हैं और इन्हीं गलती के कारण आपका कार्य बनते बनते ही बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अति महत्वपूर्ण रहने वाली है, इन्हें अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का और माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करिएगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यह समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है, संतान के भविष्य को लेकर कुछ लाभदायक योजनाएं बनेंगी जिनमें दोस्तों आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, सामाजिक गतिविधियों में भी व्यस्तता बनी रहेगी। घर में किसी नजदीकी मेहमान के आगमन से खुशी भरा वातावरण रहेगा। साथ ही इसके साथ अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय अपनी सफलता संबंधी दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहें। अगर यह समय वाहन संबंधी कोई भी लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों उसमें जो है भली भांति विचार कर लें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। और साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपको नए अनुभव और नई बातें सीखने के लिए यश में अवसर प्राप्त होंगे। परिवार के लोगों द्वारा आपको जिम्मेदारियां मिलनी शुरू हुई है, इसलिए दोस्तों किसी भी बात को अनदेखा ना करें और आपके ऊपर रखे हुए भरोसे को कायम रखने की कोशिश आपको यश में करनी होगी। विद्यार्थियों का अभ्यास में मन लगा रहेगा और युवाओं को भी नई संधि प्राप्त हो सकती है। दोस्तों परिस्थिति में अचानक से जो है सकारात्मक बदलाव भी यश में दिखने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपके मन मुताबिक कोई अच्छी कार्य भी पूरी हो सकती है और जिसकी वजह से आपका मन खुश रहेगा। नवीन कार्यों की योजनाएं भी यश में बन सकती है तथा उनको जो है कार्य रूप देने के लिए जो समय होंगे तो लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों अपने आत्मविश्लेषण द्वारा स्वयं के व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाने का प्रयास करें, ये आपके लिए यश में बेहतर होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कभी खुद को साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आपको आवश्यकता भी होगी। आर्थिक मामलों में हाथ जो है आपका तंग रह सकता है। दोस्तों यश में अपनी गतिविधियों की गोपनीयता बनाकर रखें, अन्यथा कोई आपके जो है कार्य में बिगड़ डालने की कोशिश कर सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके विचारों में आपको सकारात्मक बदलाव भी दिखेगा जिनकी वजह से खुद के अंदर जो बदलाव लाना है उनके बारे में भी आप सोच सकते हैं। दोस्तों यश में व्यक्तित्व को और अधिक आकर्षित बनाने का प्रयत्न आपके द्वारा किए जाएंगे।
लोगों से जुड़े रहना और रिश्तों को गहराई से निभाना, यह दोनों बातों पर यश में आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए शुभ होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से यह समय आपको मुक्ति मिलेगी। और दोस्तों किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले पारिवारिक सदस्यों की सलाह अवश्य लें। संतान के करियर संबंधी कोई सूचना मिलने से घर में जो है उत्साह भरा वातावरण भी रहेगा। साथ ही दोस्तों कहीं पर भी पैसा इसमें निवेश ना करें या फिर ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों इसके लिए समय जो है अभी उतना अनुकूल नहीं है। दोस्तों किसी के साथ भी इसमें संबंध ना बिगाड़ें, अन्यथा समाज में आपकी छवि इसमें खराब हो सकती है। विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई पर जो है ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में भावनाओं के प्रति आप अधिक संवेदनशील रहेंगे, इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखकर लोगों द्वारा बोली गई हर बात का गहराई से जाकर अधिक सोच विचार न करें। खुद के द्वारा किसी काम या फिर वचन की पूर्णता न कर पाना खुद के प्रति नाराजगी बढ़ा सकता है। दोस्तों यश में अधिक वक्त आप जो एकांत में बिताने की कोशिश भी करने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि रुपये की आवक के लिहाज से समय श्रेष्ठ है। दोस्तों आप अपनी सोच व अपनी बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल भी प्राप्त करने में यह समय सक्षम रहेंगे। दोस्तों किसी संत या फिर अपने गुरु के सानिध्य में रहना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। बच्चे इसमें आज्ञाकारी बने रहेंगे, परंतु दोस्तों आपका ज़्यादा अनुशासित स्वभाव अन्य लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। दोस्तों आप पर जिम्मेदारियों का दबाव रहेगा, ये जो समय है आपके लिए किसी भी प्रकार की यात्रा ना करें, दोस्तों आपके लिए नुकसानदायक या रह सकता है। और इसके उपरांत यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको काम द्वारा खुशियां मिल सकती है और किसी कठिन काम को पूरा करने की वजह से खुद के प्रति आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, और दोस्तों काम की पूर्णता का आनंद भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग भी मिल रहे हैं। अधिक संयम बनाकर जो है अपने प्रयत्नों को बढ़ाना आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपके काम करने का जो जोश होगा और जो जज्बा होगा गजब का रहेगा। दोस्तों सहकर्मी और अधीनस्थ कर्मचारी का यश में पूरा सहयोग आपके ऊपर रहेगा। दोस्तों यश में गैर कानूनी काम करने से बचे हैं, अन्यथा बुरी तरह से आप फंस सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपका जो है पारिवारिक व्यवसाय है, तो दोस्तों यश में उन पर अधिक ध्यान केंद्रित रखें। नया काम शुरू करने के लिए ग्रह स्थिति अभी उतना आपके पक्ष में नहीं है। किसी भी कार्य में घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी सदस्यों का सलाह जरूर लें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए जो समय होंगे, ऑफिस की कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव यश में आपके लिए आने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बीमा तथा कमीशन संबंधी कार्यों में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। ये जो समय है आपके लिए व्यावसायिक कार्यों के लिए जो समय होंगे, किसी भी पर यश में आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, आपके साथ कोई विश्वासघात भी यश में कर सकता है। दोस्तों यश में व्यावसायिक कार्यों पर किसी पर भी भरोसा ना करें, आपके साथ कोई विश्वासघात भी यश में कर सकता है। आपके सपने जल्द ही यश में साकार होने वाले हैं। दोस्तों अपनी योग्यता और क्षमता पर आप विश्वास रखें और इनका भरपूर इस्तेमाल करें। किसी नए काम की शुरुआत भी हो सकती है, परंतु दोस्तों ये जो समय है आपके लिए अधिक लाभ की उम्मीद भी ना रखकर अपने कार्यों को पूरी मेहनत तरीके से करने की आपको जरूरत होगी। दोस्तों आपको बता दें कि भविष्य में यही काम आपको फायदा देने वाले हैं। दोस्तों यश में मार्केट में आपकी व्यापारिक छवि बहुत अच्छी बनी रहेगी, उसे बरकरार रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पति पत्नी के बीच बेहतर सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में छोटी सी बात को लेकर खटास भी आ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक सदस्यों का सहयोग तथा एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना घर के वातावरण को खुशहाल बनाकर रखेगा तथा घर की व्यवस्था भी यश में उचित बनी रहेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपको कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर रखने में दिक्कत भी रह सकती है। बेहतर होगा कि दोस्तों यश में आप शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थितियों को सुलझाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे।
इसके उपरांत दोस्तों इस समय अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में सुधार आएगा और आप यह समय अपने आप को स्वस्थ महसूस करने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी कुछ नकारात्मक विचार भी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। मेडिटेशन करें तथा कुछ समय जो है प्रकृति के साथ भी व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होने वाले हैं। और दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि खांसी जुकाम जैसी परेशानी भी आपको रह सकती है, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए उचित उपाय होगा, तो इस पर जरूर ध्यान दें। और दोस्तों इसके उपरांत आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, कोई चोट या फिर दुर्घटना जैसे योग भी बन रहे हैं। तो दोस्तों ये सभी उपाय आपके लिए बेहतर होंगे, तो इन पर जरूर ध्यान दें।